हेलो गाइज, वेलकम टू एम टी राइटर प्रसून यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? देखिए, यहाँ पे हमारे पास यामा MT-15 और आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें मैं दो टॉपिक रख रहा हूँ आप सभी के लिए। तो पहला टॉपिक तो ये है कि ये बाइक क्या धक्के में स्टार्ट होगी, और दूसरा टॉपिक ये है कि क्या ये बाइक बिना बैटरी के धक्के में स्टार्ट होगी। तो दोनों टॉपिक को लेके मैं आया हूँ आप सभी के लिए इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूंगा कि इसको करना कैसे है। देखिए, यहाँ पे MT-15 है हमारे पास, अभी बिल्कुल ये सेल्फ से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, अच्छे से स्टार्ट हो रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसको मैं स्टार्ट करूँगा धक्के से, एक ही लोग धक्का मारेंगे इसमें। और इसको स्टार्ट करने के लिए मैं सेकेंड गियर डाल लूँगा इसमें बाइक में, उसके बाद में एक लोग धक्का मारेंगे, फिर इसको मैं देखूँगा कि ये स्टार्ट होती है नहीं। कमेंट आया था कि ये स्लीपर क्लच की बाइक है तो धक्के से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होने वाली है, तो मैंने कहा चलो मैं भी देख लेता हूँ और आप सभी को भी दिखा देता हूँ। और दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छा लग रहा हो आप सभी को, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पास में देख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि MT-15 पे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो अपने वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है बैटरी ना होने के बाद स्टार्ट करने के लिए, तो उसका क्या है, उसका मैं स्क्रू ड्राइवर से टर्मिनल का एक जो है प्लकआउट कर दूंगा उसको, और फिर धक्के से देखूंगा, और आपको मीटर भी दिखा दूंगा, सब ये बंद मिलेगा आप सभी को, फिर मैं स्टार्ट करूंगा तो वो भी मैं दिखा दूंगा आप सभी को। तो चलिए, दोस्तों अभी देखिए आ चुके अपनी बाइक पे, और गियर देखिए यहाँ पे सेकंड डाल लिया है। ये देखिए गियर जो है हमारा सेकंड गियर है, यही मेरे हिसाब से सही गियर है बाइक को धक्के में स्टार्ट करने के लिए। और बटन देख लेनी है आपको, ये बटन इग्निशन वाली जो है ये नीचे ही रखनी है, इसको ऊपर नहीं रखना। अगर ये बटन दोस्तों ऊपर होगा तो आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो अब देखिए, सेल्फ नहीं लूंगा मैं, और एक बार इसको स्टार्ट करता हूँ। तो हर्षित भाई धक्का मारे, यहाँ पे देखता हूँ मैं, एक्सीलेटर भी नहीं लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, स्टार्ट हो गया बाइक, आप सभी ने देखा, एक बार इंजन की साउंड सुना दो, बाइक स्टार्ट है। तो यानी पहले अटेम्प्ट में ही स्टार्ट हो गई, जरा सा बिल्कुल धक्का लगा, सेकंड गियर में हमारी बाइक जो है स्टार्ट हो गई। एक बार फिर से मैं आप सभी को करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, बंद कर दिया, इग्निशन को ऑन किया, और मैं एक्सीलेटर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, इंजन के साउंड पहले सुना दो आके, और पूरा वीडियो आना चाहिए। हाँ ठीक है, और अब हर्षित भाई अपने यहाँ पे धक्का मारेंगे और फिर देखेंगे स्टार्ट होती है नहीं। और ये देखिए स्टार्ट हो गई, 6-7 की स्पीड में थी बाइक और आराम से स्टार्ट हो गई। यहाँ पे RPM दिखा दो भाई लोगों को। तो पहला जो हमारा था ये तो सक्सेसफुल रहा, जो हम लोगों ने देखा कि ये बाइक जो है धक्के में स्टार्ट हो सकती है। तो आपको करना क्या है, सेकंड गियर डालना है और धक्का मारना है, बाइक स्टार्ट हो जाएगी। बट दोस्तों, इसमें एक दिक्कत भी है कि आपकी जो इंजन चेक लाइट है वो जल सकती है, और उसको फिर आपको बंद कराना पड़ेगा, शोरूम जाके, वर्कशॉप जाके, वहाँ पे लैपटॉप वगैरह से जो उसमें एरर आ जाते हैं वो बंद कराना पड़ेगा। तो अभी क्या है, बैटरी को निकालता हूँ मैं और फिर मारता हूँ धक्का, देखता हूँ कि क्या ये बिना बैटरी के बाइक स्टार्ट होगी हमारी। तो दोस्तों, यहाँ पे अब मैं अपनी बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसका वायर मैं डिटैच करूंगा, और डिटैच करने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे एक फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। और सबसे पहले क्या है, यहाँ से इसमें नीचे से सीट खुलता है, तो इसका जो सीट है उसको मैं ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सीट को लिया है, तो अब क्या है, अब ये हमने स्क्रू ड्राइवर ले लिया था और इसकी मदद से जो है इसको टाइट कर लेता हूँ। ये जो निगेटिव वाला टर्मिनल, ये दो तार देख रहे हैं, ये हमारा ये जो यहाँ पे चार्जर लगा है उसके हैं, तो इनको भी साथ में रिमूव कर देते हैं। नट को संभाल के रखना है, खो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए, इसको बिल्कुल अलग कर देते हैं इस तरीके से। सो दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल मैंने अलग कर दिया है, और कोई फ्रॉड वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ आप सभी के लिए, जो भी है बिल्कुल रियल एक्यूरेट वीडियो है। और अब अपनी की को लगा देता हूँ, एक बार हल्का सा ब्लिंक करा था बिना तार लगे, यानी कुछ करंट वगैरह इसमें होगा। तो अभी क्या है, ये देखिए बिल्कुल बंद है, चाबी अपनी इग्निशन ऑन ऑफ करता हूँ, फिर भी ये बंद है। तो अब इसके ऊपर सीट रखूंगा, फिर धक्का मारूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या ये बाइक जो है बिना बैटरी के स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों, अब क्या है, देख लीजिए बिल्कुल ये अलग है, सीट को जो है इस पे लगाता हूँ मैं, देखिए सीट लगा देता, हालांकि लॉक नहीं करूंगा क्योंकि अभी फिर से खोलना पड़ेगा। और अब जो है धक्का मारता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, ये हमारी इग्निशन ऑन है और मीटर नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें जो है बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई है। तो अभी क्या है, अभी जो है यहाँ पे हमारे HKT हर्षित भाई हैं, ये धक्का मारेंगे इसमें। और गियर जो है इसमें मैं सेकंड ही डालता हूँ, जैसा कि पहले बैटरी लगे हुए डाला था, और साथ ही में चलना है इसमें। और तो धक्का देते हैं 3-2-1 और देखते हैं।
ये बाइक स्टार्ट है बिल्कुल अच्छे से, और बस यहाँ पे दिक्कत ये है कि जैसा कि बोल रहा था इंजन चेक लाइट आएगी, तो ये चेक लाइट जो है हमारी यहाँ पे आ रही है इंजन चेक लाइट, और इधर लाइट दिखा देता हूँ मैं, लाइट भी बिल्कुल परफेक्टली जल रही है। बस ये वाली जो हमारी लाइट है हल्का जब एक्सीलेटर कम होता है तो हल्का सा बिंग करती है, बट ये वाली तो परफेक्ट जल रही है बिल्कुल। और पीछे जो लाइट लगी हुई है हमारी जो है हल्का हल्का, हाँ देखिए बैटरी की ना होने से बिल्कुल परफेक्टली नहीं जल रही है, हल्का सा ब्लिंक कर रही है। तो ये है बिना बैटरी के लगे होने से बाइक, और चला के देखता हूँ कोई दिक्कत तो नहीं आती बाइक में। बैटरी के बिल्कुल एबीएस वगैरह भी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, बस एक इंजन चेक लाइट जो है ये आगे इरर आ गया है इसमें, जैसा कि एफआई गाड़ी है तो इरर आ गया है, बिना बैटरी के कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बाइक में आ जाता है। तो अभी देखिए इसका जो है यहाँ पे स्टार्ट है बाइक, और जैसे ही इसका मैं बंद करूँगा पूरा मीटर चला जाएगा क्योंकि इसमें बैटरी जो है नहीं लगी है। देखिए यहाँ से बंद किया क्यों स्विच, पूरा मीटर हमारा बंद हो गया है, और यहाँ पे कि हम अपनी खोलेंगे भी तो भी बंद रहेगा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप सभी को कि इसमें जो है आप सभी को पता चल सके कि हमने जो है बैटरी नहीं लगाई हुई है। तो अभी देखो सीट में खोल रहा हूँ, बिल्कुल जैसे कि बंद की थी वैसे ही खोल देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है ये चार्जर का वायर है, और इससे कोई मतलब नहीं है, मेन जो वायर है ये चार्जर का, इससे कोई भी मतलब नहीं। दोस्तों मैं फिर बताना चाहूँगा, उसमें देखिए वहाँ पे कोई लाइट नहीं आएगी, तो टच हो गया था यहाँ पे, कोई लाइट नहीं आ रही। मेन जो वायर है वो हमारा ये देखिए ये यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है, तो अब जैसे ही लगाऊंगा वैसे ही हमारा सब पूरा सिस्टम आ जाएगा। वो वाले जो वायर थे ऐसा मत बोलिएगा कि आपने तो यहाँ पे दूसरा लगा दिया था, यहाँ पे ये इस चार्जर का है जो मोबाइल का, ये चार्जर यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका है उसका नहीं है। तो अब जल्दी से फिट करते हैं और फिर देखते हैं कि बिल्कुल सही से वर्क सब कर रहा है या नहीं। सो दोस्तों फाइनली आप सभी ने वीडियो देखा कि, और आप सभी को शायद ये वीडियो अच्छा भी लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, पास ही में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके के वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों MT 15 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा नीचे, ताकि मैं उन पर वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।